नमस्कार दोस्तों, जय मां भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे यूट्यूब चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज भी मैं आपके लिए एक ऐसा ही मंत्र लेकर आया हूं और ऐसा ही एक यंत्र। दोस्तों, यह सिद्ध यंत्र है। इसको धारण करते ही अगर किसी व्यक्ति के मन में काम उत्तेजना बहुत अधिक है, दूसरों को देखकर गलत विचार, गंदे विचार मन में आते हैं और वह अपनी कामाशक्ति के ऊपर कंट्रोल पाना चाहता है, तो वह हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि अपनी काम शक्ति, अपनी उत्तेजना को किस तरह से अपने कंट्रोल में रखा जाता है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको इस यंत्र की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी और अपनी कामाशक्ति के ऊपर आप अच्छे से नियंत्रण रख पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारा काम ही ऐसा होता है जहाँ पर हमारे पास रोजाना कई लोगों से मुलाकात होती है, कई लोगों से हम लोग मिलते हैं, लेकिन कई लोगों को देखकर हमारे मन के अंदर ऐसे ऐसे गंदे विचार आने लगते हैं, काम शक्ति जो उत्तेजना होती है वह जागृत होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा बनता बनता हुआ काम भी टल जाता है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी ही घटना घटित हो रही है और आप इस काम शक्ति के ऊपर विजय पाके अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस टोटके की संपूर्ण जानकारी अवश्य देखिएगा। क्योंकि दोस्तों, काम के ऊपर विजय पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति अपने काम के ऊपर विजय पा लेता है, उसके लिए दुनिया की हर एक चीज़ बहुत छोटी हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, काम के ऊपर विजय पाने के लिए ऋषि मुनि महात्मा कई समय समय तक तपस्या करते थे और उन्हीं की तपस्या का यह फल है कि उन्होंने ही हमारे समक्ष एक ऐसा यंत्र बनाकर रख दिया कि आने वाले भविष्य में साधारण मनुष्य के मन में भी अगर ऐसी चीज़ें जागृत होती हैं तो वह अपनी साधना के द्वारा या इस यंत्र की शक्ति के द्वारा अपनी काम वासना को इस तरह से कंट्रोल में रख सकता है। क्योंकि दोस्तों, यह उन्हीं लोगों का प्रताप है जो आज मैं आपके सामने इस यंत्र को लेकर आया हूं। तो दोस्तों, इस यंत्र की संपूर्ण विधि जानिए और उससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे आपके दिन रात सहायता देने वाले टोटके, मंत्र, यंत्र, यह सभी चीजें आपको बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि आपने सफेद कागज के ऊपर इस प्रकार से यह यंत्र बना लेना है। ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, आपने इसी यंत्र को बनाना है और इस यंत्र को बनाने के लिए आपने केसर, चंदन, वह लाल सिंदूर जो इस प्रकार से है, इस सिंदूर की सहायता से इन तीनों चीज़ों का आपने एक मिश्रण बनाकर उसके द्वारा आपने इस यंत्र को इसके ऊपर बना लेना है। इसके ऊपर दोस्तों, यह जितने भी अंक लिखे हुए, यह सिद्ध यंत्र है। इसको सिद्ध करने के लिए किसी भी मंत्र की आवश्यकता नहीं होती। तो आपने इस यंत्र को संपूर्ण तरीके से इस तरीके से बना लेना है और बनाने के बाद दोस्तों, आपने क्या करना है कि इसके ऊपर आपने इस प्रकार से दो लौंग रख देनी है और उसके बाद में आपने इसके ऊपर थोड़ा सा कपूर रख देना है और उसके बाद दोस्तों, आपने इसके ऊपर थोड़ा सा इस प्रकार से यंत्र के ऊपर आपने सिंदूर डाल देना है, उसके बाद आपने थोड़ी सी इसके ऊपर हल्दी डाल देनी है। बस दोस्तों, इतना ही करना है और इतना करने के बाद आपको एक मंत्र का जाप करना होगा। मंत्र मैं आपको अब बोलकर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य स्तंभन कुरु कुरु स्वाहा। दोस्तों, आपने इस मंत्र का जो जाप है टोटल 151 बार करना है, इस यंत्र को अपने सामने रखकर। उसके बाद दोस्तों, आपने क्या करना है, जैसे ही आपके जाप पूरे हों, इस यंत्र को आपने इस पूरी की पूरी सामग्री के साथ इस तरीके से ही आपने लपेट लेना है और लपेटने के बाद आपने दोस्तों क्या करना है कि आपने कोई छोटा सा लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े के अंदर आपने इसको लपेट लेना है और अगर आपको कोई ताबीज़ मिले तो आप उस ताबीज़ के अंदर इस यंत्र को ऐसे की ऐसे ही रख दें और उसको अपने कंधे के ऊपर धारण करें। अगर आप ताबीज़ में इसे नहीं डाल सकते तो आप इस यंत्र को लाल कपड़े में सुई धागे से अच्छे से लपेट लें और उस कपड़े को काले धागे में डालकर अपने कंधे के ऊपर धारण करें। दोस्तों, आप अपनी काम शक्ति के ऊपर खुद ब खुद कंट्रोल देखना शुरू कर दोगे। दूसरों को देखकर आपके मन में गंदे विचार आने ख़त्म हो जाएंगे और धीरे धीरे आप अपने काम के ऊपर विजय पा लोगे।
तो दोस्तों यह हमारा टोटका था काम शक्ति के ऊपर नियंत्रण पाने का। तो अगर आप इस टोटके की सहायता ले सकते हैं तो अवश्य ले, भविष्य में आपके यह टोटका बहुत काम आने वाला है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय माँ भद्रकाली, जय महाकाल।